अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम SSG गोवा। सो रिसेंटली आपने मेरी वीडियो देखी होगी इनफिनिक्स होट 40K अनबॉक्सिंग रिलेटेड। तो जिस भाई ने अभी तक नहीं देखी तो जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल उसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाली मजीद वीडियो में मैं इस डिवाइस का पबजी टेस्ट करने वाला हूँ। इस पे पबजी प्ले करके देखी जाएगी, प्लस इसके ग्राफिक, प्लस इसमें देखा जाएगा कि जायरो सपोर्ट करता है या नहीं, और पबजी में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी टाइमिंग कैसे देता है, बैटरी ड्रेन करता है या नहीं, या जो जो चिपसेट इसमें लगाई गई है, यानी कि इसमें मीडिया टेक हीलियो G88 का पावरफुल इंजन, यानी कि पावरफुल चिपसेट इसमें जो लगाई गई है, उस हिसाब से वर्क करती है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम वही चीजें टेस्ट करने वाले हैं इस डिवाइस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हम जो है टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, टोटल आपको आइडिया भी हो जाएगा, बीच में जो कट कटाव भी होगा आपको आइडिया हो जाएगा टोटल कितने मिनट की वीडियो चली है। तो यहाँ पे आप ये मेरी डिवाइस देख सकते हैं, इन्फिनिक्स की तरफ से न्यू मॉडल लॉन्च किया गया इन्फिनिक्स होट 40। डिस्प्ले बहुत कमाल का भाई, क्योंकि 19 Hz का रिफ्रेश रेट इसमें प्रोवाइड किया गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट के इंट्रोस में भी अपना क्लियर कर दिया। बरा यहाँ पे मैं आपको इसकी बैटरी दिखा दूँ, 69% बैटरी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पबजी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, वाईफाई मेरी इस पे कनेक्ट है, तो यहाँ से मैं पबजी को प्ले करता हूँ। पबजी प्ले करने के साथ साथ भाई मैंने इसमें कुछ एक चीज जो है वो देखी है, वो हैरत अंगेज थी। वो हैरत अंगेज क्या थी, आप यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस आपको मोड देखने को मिलता है, पावर सेविंग पे भी आपको FPS 60 शो कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा इसमें भी 60 शो कर रहा है रेफ्ट, और उसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस में भी जाए तो आपको देखिए यहाँ पे 90 FPS पोर्ट करता है, ये 90 FPS दिखा रहा है। मुझे नहीं पता किस हिसाब से 90 दिखा रहा है, बरल ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई 90 FPS का डिस्प्ले यहाँ पे दिखाएगा। बरल मे भी हो सकता है कि भाई वो इसका रिफ्रेश रेट शो करो। बरल जो भी है गेम प्ले होती है, गेम प्ले होने के बाद मैं इसका गेम प्ले जो है आपके सामने रखूंगा। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे लोडिंग पे है। सो इस फाइनली यू कैन सी दी आवर गेम इज प्ले, लेट्स चेक दी सेंसिटिविटी एंड ग्राफिक ऑफ दिस डिवाइस। सो फर्स्ट सबसे पहले हम जाते हैं इस पे ग्राफिक पे। भाई स्मूथ के साथ अल्ट्रा की स्पोर्ट देखने को मिलती है, बैलेंस के साथ हमें अल्ट्रा HD के साथ हाई की स्पोर्ट मिलती है। बहरहाल हम स्मूथ के साथ अल्ट्रा पे जाएंगे। सेंसिटिविटी में आपको जायरो ऑलवेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जायरो ऑलवेज भी हम ऑप्शन ऑन कर लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे को आपको पता है एज यूजल मैं TDM में टेस्ट करता हूँ ज्यादातर डिवाइसेस को, तो इसमें भी हम TDM पे ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि 70% जो आइडिया है ना वो TDM से डिवाइस का लग जाएगा, लाइक जायरो परफॉर्मेंस, बुलेट कनेक्टिविटी, और अगर लैग वगैरह TDM में हो तो भाई आगे जाके एब्सोल्युटली इसमें होना ही होना है। तो स्टीरियो साउंड की सपोर्ट देखने को मिलती है, वो भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कैसा साउंड आता है। तो रियल ID से भाई प्ले कर रहे हैं, अगर किसी भाई ने प्ले करना तो यू कैन ऑल्सो प्ले विद मी। सो जायरो में डिले है 19:20 का, 19:20 का नहीं आप ज्यादा कह लें, जायरो में डिले मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सेटिंग करता हूँ और इनको तो चुप करवाऊं। तो ये देखिए जायरो में डिले देखने को मिलता है। तो सो एक चीज तो फाइनल है, ये डिवाइस जायरो प्लेयर के लिए नहीं है, ठीक है, ये मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि जायरो प्लेयर के लिए डिवाइस नहीं बनाई गई। यानी गेम की स्मूथनेस वाइज बात करूं तो स्मूथ है गेम। भाग गया बंदा। बुलेट कनेक्टिविटी एब्सोल्युटली भाई आपके सामने, कहां से उसने हेड पकड़ लिया उसका। साउंड बहुत क्लियर है भाई इसका, दो दो तीन तीन बंदे यार सिर पे चढ़ के खड़े हैं। साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर है, यानी कि स्टीरियो साउंड आपको सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा अच्छे। ये देखो गरोदे लेके खेल रहे, भाग गया देखो, VJ1HP पे भाग गया। ओए होए रिलोड आ गया, भाई कैंप पर लो भी आई है सिर्फ, टोटली कैंपल हो भी है। ग्रोजे लेके भी घर में खेल रहे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे, देखो ये हाल है इस लोगों का। TDM में भी ग्रोजे चलाते हैं भाई। बाकी रिव्यू आपके सामने है भाई, हैवी किस्म का गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे।
इसका साउंड बहुत प्यारा है यार, साउंड बहुत क्लियर है, बुलेट कनेक्टिविटी और साउंड बहुत अच्छा डिवाइस का। ये देखो ना शेडी भाया कहाँ जा रहा है, डिवाइस का साउंड बहुत ज्यादा क्लियर है। बहरहाल फिर भी बंदा क्या हेड लग गया एंड टाइम पे आके और वो हमको ले गया, तो अभी तक तो डिवाइस विदाउट जा रहे तो बिल्कुल लाई की तरह चल रही है, लाई इसकी फीलिंग है। ये कैंपर यार वक्त से इधर ही खड़ा है और ये यहाँ से नहीं लाई एक मिनट के लिए भी। पीछे वाला ले गया, भाई तीन तीन बंदे एक साइड से आ रहे हैं। विदाउट जायरो खेलना भाई बहुत मुश्किल है। विदाउट जायरो खेलना भाई बहुत मुश्किल, लिटरली बहुत मुश्किल है। एक हमारी एमएस भी हमारा साथ नहीं दे रही और ऊपर से प्लस ये लोबी ऊपर से विदाउट जायरो, बाकी डिवाइस की परफॉर्मेंस आपके सामने है भाई। ये इधर ही खड़ा है भाई, ये कैंपर का बच्चा इधर से नहीं हिला। बहरहाल ये प्रो प्लेयर बन रहे हैं, विदाउट जायरो के साथ खेलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल गेम प्ले आपके सामने था भाई, किल उठाए आपके भाई ने, फिर भी विदाउट जायरो खेल के भी इतना परफॉर्मेंस। रिसेंटली आप जानते हैं 10 TP में खेलता हूं 9 TP। बहरहाल जो भी है गेम प्ले आपके सामने था, जायरो के बगैर अगर आप डिवाइस लेना चाहते हैं उस हिसाब से बेस्ट है। आप जायरो प्लेयर हैं सो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है, अगर आप जायरो प्लेयर नहीं है तब जाके ये डिवाइस आप लोगों के लिए है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी और विदाउट जायरो तो बिल्कुल जीरो थी, क्योंकि विदाउट जायरो वाला इसके साथ प्लेयर जो है वो इसके साथ नहीं कर सकता। बहरहाल तो था वो बनाने भूल गया, तो टोटल डिवाइस को मैंने जो है वो 15 सेकंड यूज की है। इस 15 सेकंड में अगर मैं इस डिवाइस की बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे की बैटरी यहाँ पे देखते हैं तो 64% है, यानी कि 69 पे स्टार्ट किया था, 54 है, यानी कि 5% बैटरी की है। बैटरी वाइज भी बात की जाए तो इस डिवाइस की बैटरी टाइम के हिसाब से भी डिवाइस बहुत अच्छी है, लॉन्ग बैटरी टाइम दे रही है। सिंपल था नॉर्मल यूज के लिए भी लेना चाहें तो हीटिंग की बात करें, हीटिंग तो है ही नहीं है ना, बिल्कुल जीरो हीटिंग है, कोई यहाँ पे हमें हीट नहीं फील होती। और उस हीट होने के बाद यानी कि गेम प्ले के बाद अगर रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो वो बिल्कुल स्मूथ अभी भी आपको देखने को मिलता है, देखिए कोई इसमें लैग नहीं है। बहरहाल होनेस्ट रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आपकी चॉइस है, लेना चाहे तब भी ले लें, नहीं लेना चाहे तो अब भी आपकी मर्जी है। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।